तस्वीर हर भारतवासी को याद दिलाती है कि सड़क हादसे हमारे लिए महामारी से भी ज्यादा घातक, क्योंकि भारत में जितनी मौत कोरोना से नहीं हुई उससे ज्यादा लोग सरकार के मुताबिक इस तरह के भीषण हादसों में मारे गए। धार में हुई ये सड़क दुर्घटना देखिए, जिसे देखकर किसी का भी दिल बैठ सकता है। मुसाफिरों से भरी ये बस इंदौर से महाराष्ट्र के लिए निकली थी, लेकिन एमपी के धार में नर्मदा नदी में समा गए। 13 लोग मौत की नींद सो गए। इस हादसे को लेकर कहा जा रहा है कि संजय पुल पर अचानक ड्राइवर ने बस पर काबू खो दिया और बेकाबू बस उफनती नर्मदा में जा गिरी। प्रातः लगभग 9:45 बजे के आसपास की बात है, इंदौर तरफ से ये महाराष्ट्र की बस आ रही थी, ये रेलिंग तोड़कर यहाँ गिर गई थी। ये सूचना मिली है, तत्काल हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और रेस्क्यू कार्य जारी है। 12 लोगों की डेड बॉडी मिल चुकी है और अभी रेस्क्यू का काम चल रहा है। कितने लोगों की संभावना है? बताया जा रहा है करीब 14 लोग हैं क्या? हाँ, ऐसा संभवतः 14 लोग इसमें सवार थे बस के अंदर। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इस समय और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं सामने की तरफ आपको तमाम एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान नजर आ रहे होंगे। ऊपर की तरफ अगर आप पुलिया पे देखेंगे तो वहीं से बस जो है वो रेलिंग तोड़ के नीचे की तरफ गिरी थी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ओवरटेक करने की वजह से ये हादसा हुआ है। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी फिलहाल एसडीआरएफ एनडीआरएफ की कोशिश ये है कि जितने भी लोग यहाँ पर जो मिसिंग है उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जाए। दूसरी बात सबसे बड़ी यह है कि लगातार बारिश हो रही है, नर्मदा का बहाव बहुत ज्यादा तेज है, इसलिए थोड़ा सा रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नदी में गिरते समय बस पलट गई, जिसके चलते ये हादसा और भी भीषण हो गया। कई गंभीर रूप से जख्मी यात्री नर्मदा नदी में समा गए। बाकी लोगों को ढूंढा जा रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने और मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से बातचीत की। मुख्यमंत्री शिवराज जी ने पूरा प्रशासन वहां पर लगाया है, स्वयं उन्होंने उसमें ध्यान दिया है। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और अपनी ओर से हर संभव सहयोग करने का प्रयास करेंगे। अब एनसीआरबी का आंकड़ा देखिए, साल 2018 में 4,45,514 सड़क हादसों में 1,52,780 लोग मारे गए। 2019 में 4,37,396 हादसों में 1,54,732 लोगों की जान चली गई। वहीं 2020 में 3,54,796 दुर्घटनाओं में 1,33,201 लोग मौत की नींद सो गए। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा ये है। वर्ल्ड रोड स्टैटिक्स 2018 की रिसर्च कहती है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा 22,11,439 सड़क हादसे हुए और 37,461 लोग मारे गए। वहीं भारत 4,80,652 सड़क हादसों में 1,75,785 लोग मारे गए। यानी भारत में कम हादसा होने के बावजूद अमेरिका और जापान से भी ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए। द रोड सेफ्टी इज द मेजर कंसर्न अक्रॉस द वर्ल्ड एंड हैज बिकम ए चैलेंज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 5 लाख रोड एक्सीडेंट्स एनुअली एंड वन ऑफ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड, in which about 1.5 lakh people die and 3 lakh have serious injuries affecting their livelihood. Unfortunately, 70% of deaths are in the age of group of 18 to 45 years. सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत शीर्ष देशों में शामिल है। हर साल देश में लाखों सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें से अधिकांश दोपहिया वाहनों से जुड़ी होती हैं। इन सड़क दुर्घटनाओं के कारण बड़ी संख्या में मौत, गंभीर चोटें या पैरालिसिस हो जाता है। जैसे लखनऊ की तस्वीर लीजिए, जिसमें एक नौजवान कचरे की चलती गाड़ी के ऊपर पुशअप करते हुए स्टंट करता है। पुशअप करने के बाद ये नौजवान टेम्पो पर खड़ा भी हो जाता है, ये देखिए। लेकिन इस नौजवान को स्टंट करना काफी महंगा पड़ता है, क्योंकि पुशअप करते वक्त ये टेम्पो से नीचे गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। भारत में अधिकतर हादसों की वजह यातायात नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा गाड़ियों में तकनीकी खराबी, खराब सड़क की स्थिति और सड़क के डिजाइन में खराबी के कारण भी सड़क हादसे होते हैं। बड़ी संख्या में मौत की वजह से सरकार ने सड़क हादसों को रोकने के लिए कमर कस ली है और 2030 तक जीरो रोड मौत का लक्ष्य रखा है। 2030 तक अगर राह देखते रहेंगे तो कम से कम और 6-7 लाख लोग इसमें मर जाएंगे। तो हमने जरूर वहां कमिट किया है, पर आप सबके विश्वास के साथ मैं कमिट करता हूं
और आपके सहयोग के द्वारा हम लोग पूरा करेंगे, ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम 2025 के पहले ही ये 50% डेथ्स और 50% एक्सीडेंट पूरे करने का काम जन भागीदारी और जन सहभाग से हम निश्चित रूप से करेंगे, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूं। सरकार पहले ही एक संशोधित मोटर वाहन अधिनियम पेश कर चुकी है जो यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए सख्त सजा का उपाय करता है। इसके अलावा सरकार की योजना गाड़ियों के ड्राइवरों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर भी है ताकि थार जैसे हादसों को कम किया जा सके। धार से उमेश रिवालिया, वरुण सिन्हा के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल आज तक।